मेरा नाम शिवालिका है. आई लिव इन जर्मनी. आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई वर्क फॉर अमेज़न. मेरी राइट आई में -1.25 है और मेरी लेफ्ट आई में -1.75 है. मैं जिम जाती हूँ, स्विमिंग सीख रही थी, तो ये सारी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम आती है. अगर मैं बीच वेकेशन जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आती है. वर्क रूटीन में एज सच कोई दिक्कत नहीं आती, बस वही है कि मुझे बार बार चश्मा ठीक करते रहना पड़ता है. जर्मनी में मैंने चेकअप कराया सितंबर में, तो उन्होंने बोला ईस्टर्न डेटा सेट में कॉर्निया का थिकनेस सही लग रहा है बट वेस्टर्न डेटा सेट में कॉर्निया का थिकनेस रेड है. इसलिए मुझे लगा कि मैं जहाँ से हूँ मुझे वहीं से कराना चाहिए, ये ईस्टर्न वेस्टर्न के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. और सेकेंड रीज़न, वहाँ पर बहुत कॉस्टली है, बेसिक सर्जरी भी बहुत कॉस्टली है, डबल ट्रिपल. i7 मेरे को यूट्यूब से पता चला, मैंने बहुत वीडियोस देखे, वो जैसे वीडियोस बनाते हैं बहुत एक्सप्लेन्ड वे में, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आँखों को सर्जरी कराना है तो डॉक्टर डायल से कराना है. स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और टेस्ट के वक्त भी कुछ ऐसे इश्यूज नहीं आए. मेरा कल वेवलाइट इनोवाइज वाला ऑपरेशन हुआ है. एक्सपीरियंस ओटी के अंदर अच्छा रहा, थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि आंखें बंद रहती है, अदर देन डर सब कुछ बहुत सही था, बहुत स्मूथ था. 3427 740 5232 3 724 50 4052 3 good last line 4052 3 perfect 6 by 6 you are reading, so check last line 27354 yeah. good last line is 6 by 5 ठीक है try है ना, एक बार try करते हैं. second last line 64 SH yeah. ZOUP yeah F good 6 by 4 and last line is 6 by 3 कुछ try कर सकते हो आप कुछ लेटर KV yeah TKV R O good R U E U yeah it's too small है. I mean I have naturalized by I can see it properly. I mean मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा vision तो मुझे अपने चश्मे के साथ भी नहीं आता था, but maybe चश्मे हमेशा गंदा रहता है या कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ ये भी हो सकता है, but हाँ चश्मे से ज़्यादा मुझे clarity दिख रही थी सुबह. Hi शिवालिका, things look so good today morning. 6-6 भी पढ़ लिया, 6-5 भी पढ़ लिया, 6-4 भी पढ़ लिया और 6-3 भी थोड़ा सा पढ़ लिया. वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो, दिस इज द मैजिक ऑफ वेव लाइट. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, कि इतना बेटर विजन, इतना अच्छा विजन आता है कि पहले कभी इतना साफ देखा ही नहीं है. टेस्ट तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं 6x4 भी पढ़ लूंगी और 6x3 भी पढ़ लूंगी, तो ये तो मैजिक है मेरे लिए. अकॉर्डिंगली एक दिन में इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट कि कल मैंने ग्लासेस पहने थे और आज मैं देख पा रही हूँ 6x3, ये तो बहुत अचीवमेंट है. चल वेरी गुड, थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट और होगी हफ्ता 10 दिन में, एंड एक बार मिल ले 7-8 दिन में 10 दिन में 29 को मिल लेते हैं फॉर अ रूटीन चेकअप. बहुत कॉन्फिडेंटली सजेस्ट करूँगी. मैंने बहुत रिसर्च करा, क्योंकि आँखों की बातें सब रिसर्च करते हैं. बहुत रिसर्च करने के बाद, इतने सारे डॉक्टर राहिल के वीडियोस देखने के बाद, एक जो कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ डॉक्टर राहिल से ही ऑपरेशन कराना है, वो कॉन्फिडेंस अभी भी है. और मैं अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर कराना है तो यही आके कराओ. ओके, थैंक यू सो मच i7 हॉस्पिटल एंड ऑल ऑफ द स्टाफ हु आर वर्किंग हियर.